किसानों की उम्मीदें देखिए ऐसे बढ़ रही हैं, जैसे ही घड़ी आगे बढ़ती जा रही है और इंतजार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर यहाँ पर पेश होगा बजट। और सरसों के खेतों से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनुज, वो किसानों से बात कर रहे हैं। सनुज, प्रधानमंत्री जी, इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। किसानों के लिए गुड न्यूज। जी हाँ किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 12 करोड़ किसानों के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने जा रहा है। आज पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि देने जा रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आपको बता दें इस योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों के खाते में आज पीएम मोदी 2,000 रुपये ट्रांसफर करने वाले हैं। आपको बता दें अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके बड़े ही काम की है। देखिए अब तक किसानों के खाते में 13वीं-14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं आप किसान पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिनका इंतजार आज पीएम मोदी कुछ ही देर बाद खत्म करने वाले हैं। आपको बता दिए जो धनराशि है आज 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से दिन के 11 बजे ट्रांसफर करने वाले हैं। जी हाँ किसान भाई, आपको बता दें अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना EKYC का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अपना EKYC वेरिफिकेशन करवा रखा है तो आपके खाते में निश्चित तौर पर पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर यह धनराशि आपके खाते में आज ट्रांसफर नहीं होती तो आपको 2 दिन तक इंतजार करना है या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।